क्वेश्चन नंबर है वन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल द ओएच ग्रुप इज अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? विनायलिक देखो क्वेश्चन है क्या, देखो क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल, ठीक है, द ओएच ग्रुप इज अटैच्ड टू, जो ओएच ग्रुप है अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। sp3 का मतलब जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है 1 2 3 4, ठीक है। और वो कह रहा है नेक्स्ट टू द एरोमेटिक रिंग, यानी इसके नेक्स्ट में क्या है, एरोमेटिक रिंग है ये। रहेंगे। तो अब बताओ इसमें कौन सा आंसर हो सकता है? देखो विनायलिक होता है, विनायलिक का मतलब होता है जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और इसमें सीएल लग गया तो इसे कहते हैं विनायलिक। विनायलिक एलायलिक होता है कि जो कार्बन होता है जिसमें सीएल लगा हुआ है उसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो एलायलिक। प्राइमरी का प्राइमरी मतलब होता अल्कोहल है होगा, कि एक कार्बन है जो सी, इसमें एक नहीं नेक्स्ट ए होगा, कार्बन है। बेंजालिक अल्कोहल। हाँ तो इसका आंसर है ए, बेंजैलिक एल्कोहल, ठीक है, बेंजैलिक एल्कोहल इज द राइट आंसर। तो ध्यान रखना बेंजैलिक कभी भी वर्ड आता है, बेंजैलिक जनरली ऐसे होता है CH2OH लिखा होगा, ये प्राइमरी बेंजैलिक अल्कोहल है और ये ग्रुप लग गया तो इसे कहते हैं बेंजैलिक अल्कोहल, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं यस सर, सेकंड पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्सरी एलाइलिक एल्कोहल। टर्सरी एलाइलिक एल्कोहल इनमें से कौन सा है? बी है। देखो अभी कहा था मैंने एलाइलिक का मतलब क्या हुआ, एलाइलिक का मतलब हुआ, एलाइलिक एल्कोहल क्या होता है कि जो कार्बन है जिससे सीएल लगा हुआ है या हेलोजन लगा हुआ उसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो एलाइलिक, ये एलाइलिक कंडीशन है। तो अब बताओ इनमें से कौन सा एलाइलिक है? इसमें डी है है क्या? हाँ डी वाला। देखो ये ओएच है, ओएच के सामने सी लगा हुआ है उसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये हो गया एलाइलिक। और ये टर्सरी क्यों है? देखो टर्सरी का मतलब ये जो कार्बन है वो तीन कार्बन से अटैच है, तीन वन डिग्री टू एंड थ्री, तो थ्री कार्बन से अटैच है इसीलिए क्या हो सर, गया ये बी क्यों नहीं होगा? है। बी क्यों नहीं होगा? बी में क्या है, देखो ये जो सी है ये जिस ओएस से अटैच है उसका नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड है, नेक्स्ट अच्छा टू हाँ, नेक्स्ट है डबल बॉन्ड, इसलिए बी नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कंडीशन एलाइलिक की। और टर्सरी क्यों है, देखो लिखा है टर्सरी, टर्सरी का मतलब हुआ कि ये टर्सरी कार्बन है जिससे ओएच अटैच है क्योंकि तो इसमें वन कार्बन टू कार्बन और थ्री कार्बन, तो थ्री कार्बन अटैच हो गया इसलिए क्या हो गया, टर्सरी हो गया, ठीक है। सेकेंड का आंसर हो गया डी। अब थर्ड वन आंसर, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज, ए है। नहीं इसका आंसर है देखो सी जब सी ओ एच ग्रुप आएगा तो हाँ इसको 1 2 3 4 एंड 5, तो 2 पे मिथाइल लग गया तो 2 मिथाइल हो गया, सी है, 2 मिथाइल हाँ साइक्लो पे फिर ये मिलता है। साइकिल है तो साइक्लो, 5 कार्बन है तो पेंटेन और ओएच के लिए ऑल, तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, यानी सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो ये ईथर होता है और ईथर हर हमेशा ध्यान रखना साइड चेन की तरह एक्ट करता है, ईथर एक्ट एज अ साइड चेन ऑलवेज। तो यहाँ पे क्या होगा देखो 1 2 3, हुआ ठीक है, और इसमें क्या लग गया OH लग गया 1 2 3 और यहाँ पे OCH3 लग गया, तो इसमें ये मेन कार्बन ये हो गया मेन चेन। अब यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कहीं से भी कर लो 1 2 3, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा सेकंड पोजीशन में 1 कार्बन के लिए मेथ और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी तो 2 मिथॉक्सी, फिर टोटल कार्बन 3 है मेन चेन में तो प्रॉप
सिंगल बॉन्ड के लिए एन, टू मिथॉक्सी मैंने यही प्रोपेन, कंफर्म। यानी सी इज द राइट आंसर। हाँ हाँ ठीक मैंने है। पहले यही कर रखा था, वो आपने इथर बोला, मुझे लगा इथर वाला होगा शायद। हाँ तो ईथर में, इसमें आईयूपीएसी नेम पूछा है, अगर ये बोलता कॉमन नेम बताओ तो इसका कॉमन नेम ये वाला है आइसोप्रोपाइल, आइसो इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया ईथर, तो फोर्थ इसका कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर, इसका कॉमन नेम, और आईयूपीएसी नेम हो गया सेकेंड वाला। अब क्वेश्चन नंबर फाइव, मैच द कॉलम, इसमें कौन सा आंसर होगा? ए। ए कैसे? यस सर, ये पी क्रिसोल जो है वो क्या नाम है, फोर्स वाला होगा। देखो ये कैटाकॉल है आपका वन वाला, ठीक है, ये वन कहाँ जाएगा? इसके हाँ, साथ, इसमें दो ओ एच ग्रुप होते हैं, इसके साथ होते हैं दो ओ एच ग्रुप, एक ओ एच ग्रुप यहाँ लग जाएगा, हाँ, और एक ओ एच ग्रुप यहाँ लग जाएगा। क्विनोन कौन से होते हैं? बी वाला ही। ये क्विनोन कौन सा हो जाएगा जिसमें दो ओ एच ग्रुप होंगे लेकिन एक वन पर एक फोर पे हो जाएगा, और सी वाला क्या होगा? सॉरी, कैटाकॉल में ये हो गया सी, सी तो हो गया आपका ये वाला, ठीक, एक मिनट, हाँ, ये जो कैटाकॉल है इसमें ये हो जाएगा वन टू डायोल, इसमें हो जाएगा वन फोर डायोल, क्रिसोल होता है उसमें क्या होता है फिनॉल के साथ सी एस थ्री ग्रुप लग जाता है, ये OH लग जाएगा और यहाँ सी एस थ्री लग जाएगा, तो इसे कहते हैं ऑर्थो क्रिसोल। और फोर्थ है यहाँ पे कि ये OH ग्रुप लगेगा और यहाँ पे लग जाएगा सी एस थ्री, तो इसे कहेंगे पैरा क्रिसोल। तो क्रिसोल में OH और सी एस थ्री, ठीक है, और ये इसमें अगर ये वन थ्री होता तो रिसोर्सिनॉल हो जाता, तो इस तरीके से ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स, जनरल फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स, सॉरी एल्कोहल्स, कौन सा? डी। ओके, देखो इसमें कैसे करना है आपको, कभी भी अगर किसी का फॉर्मूला निकालना है तो उसका एक एग्जांपल लिख दो, जैसे अल्कोहल का कोई भी एक एग्जांपल लिख दो, C2H5OH। अब इसमें जो कार्बन होता है उसको N मान लेते हैं, कार्बन के टू हो गए, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 5+1 6, ऑक्सीजन का 1, ठीक है, तो इसको N मान लो, तो CnH हो जाएगा 2N+2, 2 2 4+2 6, ऑक्सीजन, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेवन पे, हाउ मेनी आइसोमर ऑफ C5H11OH विल बी प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल कितने होंगे? फोर। हाँ, इसमें देखो पहला क्या है, फाइव कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 OH, ये तो सेकंड स्टेप में हो जाएगा 1 2 3 4, और यहाँ पे सी लगा दो, ये OH, ये हो जाएगा सेकंड। थर्ड में इसी को थोड़ा शिफ्ट कर दो, इसको शिफ्ट कर दिया हमने इधर की साइड, तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ वन हो जाएगा कि 1 2 इसी में दो सी लगा दो, फिर यहाँ पे सी OH, तो ये हो गया टोटल 4, इसके अलावा नहीं बन सकते, तो इसलिए 4 इज द राइट आंसर, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे, 8 पे है फॉर द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, इसमें बताना ए से आपने मिलाया इसमें C2H5MgI तो बी बना, बी का आपने हाइड्रोलाइसिस किया तो बन गया टर्सरी पेंटाइल अल्कोहल, देखो टर्सरी पेंटाइल अल्कोहल, टर्सरी का मतलब होता है कि जिससे तीन सी एस थ्री ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है,
और पेंटाइल का मतलब 5 कार्बन है, टोटल 5 कार्बन। एल्कोहल का मतलब ओएच ग्रुप है। अब टोटल 5 है तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा होगा C2H5, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, ये होता है आपका, ठीक है। अब आपको ये फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, तो इसका इनिशियल प्रोडक्ट क्या रहा होगा? ये ग्रीन कार्ड रिएजेंट है ना? हाँ, तो हाँ, ये ग्रिगनार्ड डिजेंट वाला C2H5MgI। हाँ, एसीटोन होगा इसका। एसीटोन सही आंसर। एसीटोन में क्या होता है, देखो एसीटोन होता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3, ठीक सीएस है। अब इसमें क्या होगा, C2H5MgBr MgI, सॉरी, ठीक। अब इसमें क्या होगा, देखो ऑक्सीजन में होता है नेगेटिव, कार्बन में प्लस, यहाँ पे इसमें नेगेटिव और Mg में प्लस, प्लस वाला जाएगा माइनस के पास, माइनस वाला जाएगा प्लस के पास। तो अब यहाँ पे C है, इसमें 2 CH3 तो ऑलरेडी अटैच है, और एक ये C2H5 भी इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये प्लस है, प्लस माइनस को, और ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से इसके ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन फिर MgI। अब जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे, हाइड्रोलाइसिस मतलब इसको वाटर में डिजोल्व करना, तो Mg प्लस होता है, O माइनस होता है, तो इसमें क्या होगा, वाटर का मतलब H प्लस और OH माइनस, तो जो प्लस वाला हो माइनस के पास जाएगा, जो माइनस वाला हो प्लस के पास जाएगा, तो ये बन जाता है आपका टर्सरी एल्कोहल, ये आपका ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। इसका मतलब एसीटोन इज द राइट आंसर, ठीक। यस सर। ये बन गया आपके पास C, यहाँ पे आ जाएगा CH3, C2H5 और OH, और यहाँ पे Mg के साथ चले जाएगा MgI और OH, ठीक है। तो एसीटोन इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9, मार्कोनिफ रूल, हाँ, इसमें कौन सा रूल लगेगा, कौन सा? मार्कोनिफ हाँ, मार्कोनिकोफ रूल। देखो इसमें क्या होगा, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, और अगर मैं इसको वाटर में ऐड कर रहा हूँ, वाटर मतलब H प्लस और OH माइनस, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी H2SO4 भी लिखा हो सकता है या H प्लस लिखा होगा, एक ही बात है। तो इसमें लगता है मार्कोनिक ऑफ रूल। मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है उस कार्बन से अटैच होगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, और प्लस कम वहां होंगे जा अटैच होगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। तो ये बन जाएगा रहा हूँ। CH3 C, यहाँ पे OH और ये CH3, ठीक है। तो ये बन गया सेकेंडरी एल्कोहल। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिक ऑफ रूल। तो C इज द राइट आंसर। जब भी एडिशन रिएक्शन होगा तो मार्कोनिक ऑफ या एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगता है, पर मैक्सिमम केस में मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा, ठीक यस सर। है। अब आता है नेक्स्ट 10th वाला, कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एल्काइल हेलाइड टू एल्कोहल इन्वॉल्व, इसमें कौन सी रिएक्शन होगी, एल्काइल हेलाइड से एल्कोहल बनाना है। सब्स्टिट्यूशन नहीं, एडिशन होंगी। नहीं, एडिशन कब होता है, एडिशन होगा जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तभी एडिशन होता है बस। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो पहले देखो एल्काइल हैलाइड का मतलब, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 और यहाँ पे सीएल लगा दिया, अब मैंने इसको चेंज कर दिया एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब जहाँ पे सीएल था वहां पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, तो एल्कोहल बन गया। तो मैंने इसको इसमें चेंज किया, तो अब कौन सी रिएक्शन है, ये पहले सीएल था वहां पे अब OH आ गया, कौन सी रिएक्शन होगी, पहले सीएल था यहाँ पे अब यहाँ पे OH आ गया, सब्स्टिट्यूशन हाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें क्या होगा कि एक एलिमेंट डिस्प्लेस द, ये OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, तो OH माइनस डिस्प्लेस द Cl माइनस आयन फ्रॉम देयर कंपाउंड, तो हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके बाद आता है 11th क्वेश्चन, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रमोट इट,
प्रोटोनेट, जिसको प्रोटोनेट नहीं कर सकते जल्दी से, वो कौन सा है इसमें से? प्रोटोनेटेड का मतलब हो गया H प्लस जल्दी से वो अटैक नहीं करेगा, या H प्लस ये जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, कौन सा केस है वो? ये सी होगा। नहीं, देखो प्रोटोनेटेड के लिए क्या होता है कि प्रोटोन को कौन एक्सेप्ट करेगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर। कौन ऐसा है जो अपने लोन पेयर को जल्दी से डोनेट कर दे? ठीक है, तो उसमें हाँ आता है स्टेबिलिटी फैक्टर। जैसे पहला है CH3OH, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो बन जाता है CH3O- और H+, तो इसकी स्टेबिलिटी कम है तो इसलिए इसके चांस कम हो गए। दूसरा देखो, सॉरी, इसके चांस ज्यादा हो गए। पीएच का मतलब ये आ जाएगा रिंग, रिंग के बाद ये ओ और ये एच, तो इसके पास लोन पेयर है तो जल्दी से अटैक कर सकता है कोई भी इसमें, ठीक है, और ये माइनस चार्ज आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अटैक के चांस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, और ये तो इसमें प्रोटोनेट होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है क्योंकि ज्यादा स्टेबल बन रहा है। इसके बाद है वाटर। वाटर में क्या होता है, वाटर होता है HOH, तो वाटर के केस हाइड्रोजन वार्निंग होती है। में यहाँ पे भी प्रोटोनेट का मतलब होता है एच प्लस आयन अटैक कर सकते, तो यहाँ पे भी इजिली कर सकता है। लेकिन इन केस ऑफ ईथर, ईथर में क्या होता है, यहाँ पे चार्ज डेवलप नहीं हो पाता क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन की वजह से यहाँ पे वो चार्ज डेवलप नहीं हो पाता। हालांकि इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन इसमें प्रोटॉन का अटैक करना क्या है, सबसे डिफिकल्ट है। ठीक है, तो 11 का आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ वाला, बी, हाँ बी, सॉरी, सेकंड वाला। ठीक है, तो जो सेकंड वो वाला है जो ये सी है तो, वो सी। हाँ, सी में क्या होगा, सी में जल्दी हो जाएगा। हाँ ठीक है, यस सर। एक मिनट, अच्छा, मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट है ना, तो एक मिनट, अगर हमने इसमें से यहाँ पे ओ और ये एच कर दिया, ठीक है, अच्छा, हाँ ठीक, तो यहाँ पे भी ठीक कह रहे हो, ये पीएच है ना यहाँ पे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन, अच्छा मैंने एच हटा रहा था ना यहाँ पे, वो एसिडिक रिएक्टर देख रहा था, इसमें है प्रोटोनेटेड। प्रोटोनेटेड का मतलब क्या हुआ, H प्लस को ऐड करना। देखो, हाँ एक होता पार्शियल है पर। हाँ, एक होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जो H प्लस को रिमूव करेगा, और H प्रोटोनेट का मतलब होता है जो H प्लस को ऐड करेगा। दोनों में डिफरेंस ये है, अगर H प्लस ऐड हो रहा है तो उसे कहेंगे प्रोटोनेट, ठीक है, और H प्लस अगर रिमूव हो रहा है तो उसे कहेंगे एसिडिक स्टेट। तो अब H प्लस अगर हम यस ऐड कराते हैं, तो देखो पहला केस है CH3OH, यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन, अगर आप इसमें H प्लस को ऐड करवाते तो ये H प्लस यहाँ अटैक करेगा और ये बन जाता है CO, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और ये प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये बन गया आपका पहला केस। अब अगर ये इसमें भी वो है, चांस है, क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन कहीं मूव नहीं हो रहे, तो ये प्रोटोनेट हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें चार्ज तो ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता, इसकी इसकी टेंडेंसी कम होती है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसके पास ये एच प्लस है, इसके कंपैरिजन में इसकी टेंडेंसी कम होती है। तो यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, आपने प्रोटोन डाला तो प्रोटोन ही एक्सेप्ट करेगा, लेकिन इसकी टेंडेंसी कम होती है क्योंकि यहाँ पे चार्ज ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता। वाटर है, वाटर में भी होता है, वाटर में लोन पेयर है, तो वाटर की टेंडेंसी भी इससे ज्यादा है, सोचना, ईथर से वाटर की टेंडेंसी ज्यादा होती है एच प्लस को गेन करने की। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, जल्दी से गेन कर सकता है, तो लेकिन इधर लिस्ट ईथर, हाँ, अब ईथर और इसमें कंपैरिजन में क्या होता है, देखो ईथर और ये, अच्छा ये रिंग है ना, तो यहाँ पे रिंग की वजह से क्या होता है, रेजोनेंस हो जाता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर तो था, लेकिन यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास बचता नहीं है, ये क्या करेगा, यहाँ से रिंग को दे देगा, तो यहाँ आ जाता प्लस चार्ज, ठीक है, और ये माइनस चार्ज हो जाता है, यानी ये रिंग में डीलोकलाइज हो जाता है। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस हो जाता है,
और रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, रेजोनेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज हो जाएगा, रेजोनेंस की वजह से डीलोकलाइज हो जाएगा, और जब डीलोकलाइज होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं, तो यहाँ पे एच प्लस तो अटैक कर ही नहीं सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्लस प्लस रिपेल ईच अदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे डिफिकल्ट है सी वाले का और उसके बाद बी वाले का, ठीक है। तो सी और बी दोनों आसपास है, लेकिन इसके पास बिल्कुल पॉसिबिलिटी कम हो गई। मैं क्या कर रहा था, एसिडिक स्ट्रेंथ था, मैं मुझे लगा एसिडिक स्ट्रेंथ वाला, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में तो ये एच प्लस को निकालेगा बाहर, तो ये क्या हो जाता है, ओ माइनस हो जाता है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्रोटोन को ऐड करना है, तो प्रोटोन को ऐड कैसे करेंगे, प्रोटोन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये रेजोनेंस है, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर। अब प्रोटोन कहाँ जाएगा, जहाँ पे लोन पेयर है, अब ये प्रोटोन यहाँ से इसके पास गया, लेकिन इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को रेजोनेंस में इन्वॉल्व करा दिया। अब तो इसके पास बचा ही नहीं, इसके पास तो प्लस चार्ज हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है सी वाला, फिर है ईथर, तो इनसे कम टेंडेंसी होती ईथर की। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, प्लस चार्ज की वजह से, यहाँ पे प्लस चार्ज की वजह से क्या हुआ, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, प्लस प्लस रिपेल करेंगे, इसलिए सी इज द राइट आंसर, ठीक है। Yes, sir. हाँ, ये प्रोटोनेट था, मुझे पहले लगा एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है। एसिड में क्या होता, अगर एसिड की बात करेंगे तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, एसिड में एच प्लस को निकाल के देखते हैं, ये माइनस चार्ज, ऐसे दूसरा ये ग्रुप है इसमें माइनस चार्ज। तो जब एसिड की बात करोगे तो एसिड में क्या होता है, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो एच प्लस को जल्दी डोनेट करेगा, उसमें ये वाला सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ 4 मिथाइल ब्यूटीन, 4 का ब्यूट का मतलब 8 कार्बन है, 4 5 6 7 8, और यहां डबल बॉन्ड हो गया, और 4 मिथाइल का मतलब फोर्थ पोजीशन में CH3 ग्रुप है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब बताओ इसमें से, अगर आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया है तो इसमें कौन सा आंसर होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किस रूल को मानता है, मार्कोनिकोफ रूल या एंटी मार्कोनिकोफ रूल? मार्कोनिक नहीं, ये मानेगा एंटी मार्कोनिक, ठीक है, एंटी मार्कोनिक। अब और इसमें क्या होता है, इसमें भी वाटर ऐड करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, और वाटर का मतलब H प्लस और OH माइनस, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है देखो, और इसमें किसकी प्रेजेंस होती है, इसमें होती है डाइबोरेन की प्रेजेंस, BH3 का होल ट्वाइस, हाँ, और हाइड्रोजन परोक्साइड और कोई भी NaOH बेस ले लिया हमने, तो ये प्रेजेंस होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। और इसमें कौन सा रूल लगता है, एंटी मार्कोनिकोफ रूल। तो बताओ एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग ये OH माइनस किस कार्बन के पास जाएगा, 1 के पास या 2 3 4 5 6 7 8, किस कार्बन के पास ये OH माइनस जाएगा, 3 है इसके, है क्या नाम है, एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगाना है। तो यहाँ पे देखो ये होता है CH2 और यहाँ पे आएगा H, और यहाँ पे CH2, हाँ, यहाँ पे CH, यहाँ पे भी CH2, 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 CH3 यहाँ रहेगा, किसमें जाएगा, OH, नहीं, इसमें डबल बॉन्ड में जाता है, केवल ऐड कहाँ पे होगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, हाँ, केवल डबल बॉन्ड, क्योंकि एडिशन कहाँ पे होगा, जहाँ डबल बॉन्ड होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, एक मिनट इसको हटा देते, यहाँ दिखा, 1 2 3 4 5 6 7, और ये डबल बॉन्ड। तो कहता है कि ये कहाँ किस नंबर पे जाएगा, फर्स्ट नंबर पे जाएगा, फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट पे क्यों जाएगा, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे ऐड होगा OH माइनस और H प्लस, लेकिन OH माइनस पार्ट कहाँ जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन ज्यादा कहाँ है, फर्स्ट पे, OH जाएगा फर्स्ट पे और H जाएगा सेकंड पे, और डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और OH यहाँ चला गया और H यहाँ चला गया, तो ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है,
इसे कहेंगे, और ये फोर मिथाइल है तो 1 2 3 4 का मतलब ये हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 4-मिथाइल-ब्यूटेन ऑक्टेनॉल, यानी ए इज द राइट आंसर, 4-मिथाइल ऑक्टेनॉल। इसे ध्यान रखना है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, किस रूल को फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। एंटी मार्क कौन है? अब क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कौन सा इनमें से जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला, ये सी वाला, क्योंकि इसमें अल्कोहल है। हाँ सी वाले में, सी वाला क्यों, देखो पहले बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट और डिपेंड कम करता है भी है हाइड्रोजन इसमें, बॉन्ड। हाँ तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड भी तीनों में कम है से इसमें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, फिर एल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है एल्डिहाइड से, राजस्थान ठीक है, तो ये CHO ग्रुप है एल्डिहाइड का और ये OHOH एल्कोहल का, ठीक है, तो बी और सी आंसर। अब उसके बाद जब एल्कोहल है तो जितने कार्बन एटम ज्यादा होंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, कार्बन एटम का मतलब उसका मॉलिकुलर वेट ज्यादा होगा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, तो इसीलिए सी इज द राइट आंसर, सी में सबसे ज्यादा है, सी फिर बी, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो इसका ऑर्डर हो डी जाएगा और फिर ए। सी, हाँ फिर बी नहीं फिर एल्डिहाइड, ये तो सबसे कम है, फिर जो डी एल्केन है उसका सबसे कम होगा, तो उसके बाद फिर डी का डी था मैंने, और फिर लास्ट में और ए, ए हाँ ठीक है, तो ये ऑर्डर ये होगा, एल्केन का सबसे कम होता है। हाँ एल्किन सबसे कम रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म अ येलो पीपीटी, देखो येलो पीपीटी आपके पास अभी आ भी सकती, नहीं भी, ये होता है आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसमें क्या ग्रुप होना चाहिए, CH3CO ग्रुप होना चाहिए, तो जिसके पास भी ये ग्रुप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसमें हम किससे रिएक्शन कराते हैं, इसमें हम करते हैं NaOH और I2 के साथ रिएक्शन करेंगे, तो इसमें बनता है आइडोफॉर्म, यानी CH3 बनता है, इसे कहते हैं आइडोफॉर्म, ठीक है, आइडोफॉर्म होता है और इसका कलर होता है येल्लो, इसका कलर होता है येल्लो, इसीलिए येल्लो पीपीटी आती है, वो कहता है येल्लो पीपीटी, वो कह रहा है कौन सा नहीं देगा, एल्कोहल में क्या करते हैं पहले हम रिडक्शन करते हैं, तो पहले से चेक करते हैं, देखो 1 2 3 4, अब इसमें सॉरी 1 2 3 है, इसमें देखो 3 कार्बन है, तो 1 2 3 और इसमें OH लग गया, ठीक, अब एल्कोहल के केस में पहले हमें रिडक्शन करना पड़ता है, रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां से H और यहां से H रिमूव हो गया, तो ये बन गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3, तो ये CO CH3 ग्रुप है, यानी ये वाला टेस्ट देगा, तो ए तो इस टेस्ट को देगा। अब बी में चेक करते हैं, 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4, अब यहाँ पे सेकंड में OH लगा हुआ, तो सेकंड में OH, अब पहले इसका रिडक्शन करना पड़ेगा, रिडक्शन मींस होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो यहाँ से भी और यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इसके पास भी देखो CH3CO ग्रुप है, तो जिसके पास भी CH3CO ग्रुप होगा वो क्या देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, यानी ये भी देगा, थर्ड आता है ये वाला CH3OH, तो CH3OH अगर आप इसका हाइड्रोजन निकालते भी हो, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, तो क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, तो ये वाला नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि इसके पास कौन सा ग्रुप नहीं है, CH3CO ग्रुप नहीं है, इसीलिए सी इज द राइट आंसर। फोर्थ हाँ वाले में देखो, फोर्थ में 2 C है और यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, देखो इसका रिडक्शन करवा लो, रिडक्शन करवाने में क्या होगा, एक एच यहां से निकलेगा, एक एच यहां से निकलेगा, ठीक है, और तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, यानी इसमें भी CH3CO ग्रुप है, तो यानी ये भी वो टेस्ट दे सकता है, तो आंसर है सी, सी है जो वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। अब सर, क्वेश्चन नंबर 15 बताओ, Among the alkene, which one produces tertiary alcohol on acid hydration? यानी अगर वाटर ऐड करेंगे तो टर्सरी अल्कोहल देगा, इनमें से कौन है ऐसा? वॉटर ऐड करने में टर्शियरी अल्कोहल
सी है। हाँ इसमें लगेगा मार्कोनिक कॉफ्रू। जब आप वाटर ऐड करते हो तो वाटर का मतलब जब भी डबल बॉन्ड होगा, देखो अब टर्सरी को चेक कर लेते पहले सी वाले को, CH3 का होल ट्वाइस मतलब यहाँ पे CH3 दो लगे, ठीक है, और ये लग गया CH2, सी डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें मैंने वाटर ऐड कर दिया, हाइड्रेशन का मतलब वाटर ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो जो ये वाटर है ये दो हाँ पार्ट में टूट जाएगा, एक H+ में और एक OH-। OH-। इसमें लगेगा मार्कोनिक ऑफ रूल। तो मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस डबल कार्बन के पास जाएगा जिसमें हाइड्रोजन है, और इसमें जाएगा हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन जाता है, तो डबल बॉन्ड में अटैच होता है बस। CH3 C, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे लग जाएगा OH, कहाँ पे सेकेंड पोजिशन में OH लग जाएगा सिंगल बॉन्ड, और हाँ यहाँ पे CH3, ठीक है। तो ये टर्सरी हो गया, ये देखो ये जो सी है ये तीन कार्बन से अटैच हो गया, ठीक है, ये वाला सी कितने से अटैच हो गया, वन कार्बन टू इनका कार्बन थ्री, तो ये टर्सरी एल्कोहल बन गया। तो टर्सरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल का मतलब फोर कार्बन है, तो इसमें टोटल फोर कार्बन है, तो इसीलिए सी इज द राइट आंसर। बाकी में भी लगेगा, सब में एडिशन अगर वाटर होगा तो मार्कोनिक ऑफ फूल लगेगा, लेकिन उसमें टर्सरी नहीं बनेगा, किसी में प्राइमरी बनेगा किसी में सेकेंडरी बनेगा। अब क्वेश्चन यस नंबर 16, इसमें भी इसने एक गलती कर दी थोड़ा सा, यहाँ पे हाँ ये OH नहीं है, ये है आपका CH3 ग्रुप है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, ये आपका हार्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा, ये जी नहीं है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ये वाला नहीं हुआ था मेरे से। इसमें करना क्या, देखो इसमें क्या होगा कि जब भी आप ये रिएक्शन करते हो, जैसे आपने लिखा ये वन वन टू थ्री और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे सॉरी सी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है CH2। अब क्या होगा, देखो इन दोनों में यस कॉम्पिटिशन होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये इसको दे देगा कि तुम अपने पास रखो, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा, क्योंकि जो प्लस वाला होता है वो सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये प्लस यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि सेकेंडरी है, और ये CH2 यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक। अब क्या होता है, यहाँ पे होता है रीअरेंजमेंट, यहाँ पे एक वर्ड आता है रीअरेंजमेंट, क्यों, क्योंकि इन केस ऑफ टर्स ये कार्बो कैटायन जहाँ पे प्लस चार्ज बनेगा, उस केस में क्या होता है टर्सरी ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, सेकेंडरी ठीक है। तो ये टर्सरी देखो इसके बगल में टर्सरी कार्बन बैठा हुआ, तो यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाती है, यहाँ पे क्या होगी शिफ्टिंग हो जाएगी, ये टर्सरी वाला क्या करेगा इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी शिफ्टिंग हो जाएगी, तो ये यहाँ से ये प्लस चार्ज शिफ्ट होकर कहाँ चले जाएगा इसके पास, और यहाँ से एक CH3 जंप करके इसके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो अब ये CH3 वहां चला गया तो ये प्लस चार्ज यहाँ आ गया, और इसका CH3 यहाँ चला जाता है, और यहाँ पे तो है ही, यहाँ पे H+ अटैक करेगा तो बन जाएगा CH3, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो CH3 है ही, तो ये टर्सरी हो गया, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो यहाँ पे होता है रीअरेंजमेंट। अब जो OH- है वो इजिली अटैक करेगा कहाँ पे, इस सेकेंड वाले पोजिशन में, ठीक है, यहाँ पे इजिली अटैक करेगा और क्या बना देगा, देखो वन टू थ्री फोर यहाँ पे लग गया OH, इसके ऊपर है CH3, यहाँ पे भी CH3 और ये CH3, ठीक है, तो ये कंपाउंड बन जाता है। अब ये कंपाउंड कौन सा है, देखो दिखने में इसमें ये वाला बी है जो आपका राइट आंसर, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर रीअरेंजमेंट है, तो जिसको रीअरेंजमेंट समझ में आएगा वही इस क्वेश्चन को कर सकता है, नहीं तो नहीं कर पाएगा। आया समझ में ये? यस सर, हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाते हैं, ये प्रोपेन वन ऑल मे बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ प्रोपेन विद, अगर ये प्रोपेन वन ऑल है, वन का मतलब जो स्कोप OH है वन पोजीशन में जाएगा, वन का मतलब एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, इनमें से कौन फॉलो करेगा एंटी मार्कोनिक ये ऑफ रूल, डी वाला, है डी वाला नहीं, डी तो मार्कोनिक ऑफ रूल सॉल्व करता है, डी तो अभी हमने किया था ना H+, देखो एसिड का मतलब H+, हाँ।
तो ये मार्कोनी का फुल फॉलो करता है। तो शायद बी को करना चाहिए, नहीं वो सी को करना चाहिए। हाँ सी है, सी अभी मैंने सी बोला था, इसका नाम है हाइड्रोबोरेसन ऑक्सीडेशन, हाइड्रो बोरेसन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेसन क्यों रखा है इसका नाम, क्योंकि इसमें डाइबोरेन यूज होता है, B2S6 NaOH, और देखो ये हाइड्रोजन प्रोक्साइड है इसमें, तो हाइड्रोजन प्रोक्साइड की वजह से क्या करता है, एंटी मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करेगा। तो जो प्रोपीन है आपका, प्रोपीन का मतलब थ्री कार्बन थे, प्रोपीन का मतलब थ्री कार्बन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो जब आप इसका वाटर ऐड करोगे इसमें तो OH माइनस कहाँ पे जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये फर्स्ट पोजिशन में OH माइनस चला जाएगा, ठीक है, फर्स्ट में सर। OH माइनस चला जाएगा और H प्लस जाएगा सेकेंड, तो ये बन जाएगा प्रोपेन वन, और वन टू थ्री और ये OH, बाकी एज इट इज होगी, बाकी में कोई चेंज नहीं होने का, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अ कीटोन, किसका इनमें से ऑक्सीडेशन करेंगे कीटोन मिलेगा आपको। सेकेंडरी अल्कोहल। हाँ सेकेंडरी अल्कोहल, देखो अगर आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दो, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें मिलता है प्राइमरी अल्कोहल, अगर कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी। और टर्सरी अल्कोहल हमें इसके साथ नहीं मिलता है, टर्सरी अल्कोहल नहीं मिलता हमें यहाँ पे, ऑक्सीडेशन से टर्सरी अल्कोहल नहीं मिलेगा। तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ये कीटोन है, कीटोन का करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, अगर एल्डिहाइड का करते तो प्राइमरी अल्कोहल, टर्सरी नहीं मिलता है। तो अब ये टाइम खत्म हो रहा है, रिज्वाइन करो इसे, रिज्वाइन करना सेम आईडी पे, ठीक है। ठीक है।